केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केसरीनाथ त्रिपाठी नहीं रहे, केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय की दुखद जानकारी। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ी थी और उनको पीजीआई ले जाने की तैयारी भी की गई थी, अस्पताल में भर्ती थे। दो दिन पहले ही पूर्व राज्यपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केसरीनाथ त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, जिनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती किए गए और उनके उपचार पर नजर रखी जा रही थी। ऑक्सीजन के साथ ही पेय पदार्थ भी नली से देने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे में शनिवार को दिक्कत बढ़ती चली गई। आज सूचना आ रही है निधन की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे 89 साल की उम्र के केसरीनाथ त्रिपाठी की, जिन पर निधन पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। इस पर और जानकारी लेंगे सर्वेश दुबे से, प्रयागराज से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश दुबे, ये बहुत दुखद खबर आ रही है, एक बड़ा झटका यहाँ पर प्रदेश की, देश की राजनीति के लिए केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर। सर्वेश, मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। इस दौरान उनके पास बिहार, मिजोरम और मेघालय का भी चार्ज था अतिरिक्त, और 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और विधायक रहे। तो इस तरह से उनका जीवन था और पूरी तरह से वे भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहे जीवन भर। और कानून के अच्छे विशेषज्ञ थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, अस्वस्थ थे। 8 दिसंबर को बाथरूम में फिसलने की वजह से बाएं हाथ की उनके कूल्हे पर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ। 30 दिसंबर 2022 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि तबीयत सुधरने पर 4 जनवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे करीब उन्होंने अंतिम सांस अपने आवास पर ली है और आज ही उन्हें पीजीआई में भर्ती कराए जाने की तैयारी चल रही थी। आज शाम 4 बजे रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी उनके परिजनों की ओर से आई है। जी, बढ़ती उम्र और बढ़ती बीमारी की वजह से सर्वेश, कहा जाएगा कि ये एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और खासकर बीजेपी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। अब ऐसे में आज का क्या कार्यक्रम रहना है, मतलब अंतिम संस्कार आज ही किया जाना है? आज अंतिम संस्कार 4 बजे रसूलाबाद घाट पर किया जाना है और तमाम लोगों का जो उनके सुचिंतक थे और तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनका घर पे आना शुरू हो गया है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंचने वाले हैं करीब 12 बजे। तो तमाम जो डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और आज उनको अंतिम विदाई देंगे और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वाले लोगों का भी तांता लगना शुरू हो गया है। और निश्चित तौर पर उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति भारतीय जनता पार्टी को हुई है। सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि वो कानून के अच्छे जानकार थे, संविधान के जानकार थे, उन्होंने कई टिप्पणी भी लिखी संविधान पर। और इसके साथ ही साथ वो तमाम बड़े राजनीतिकों के वकील हुआ करते थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव और तमाम दूसरी पार्टियों के भी जो नेता थे उनके उनसे अच्छे संबंध थे, क्योंकि कानून के अच्छे जानकार होने के चलते, संविधान के अच्छे विशेषज्ञ होने के चलते लोग उनसे विधिक परामर्श जरूर लेते थे। जब उनसे हमारी बात होती तो वो खुद बताते थे इन बातों को कि किस तरह से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी उनसे परामर्श लेने आते थे अपने मुकदमों की पैरवी के लिए, घंटों उनके पास बैठकर अपने मुकदमे की फाइल तैयार कराते थे। इन तमाम बातों का जिक्र वो जब बात होती थी तो क्या करते थे और बताते थे कि कैसे किस किस बड़े राजनीतिज्ञों का उन्होंने केस लड़ा। और 2016 में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था तब उस समय यहाँ पर उनके संबंधों का ही ये परिणाम था कि सपा के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव भी उनके पास आए थे और वो अंतिम बार यहाँ पर प्रयागराज आए थे मुलायम सिंह यादव। तो उनके सभी दलों में उनके जानने वाले लोग थे और उनके संबंध सभी बड़े राजनीतिज्ञों से थे और सभी उनका आदर और सम्मान करते थे और पंडित जी कहकर उनको बुलाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ उनका सम्मान सभी राजनीतिक दलों के लोग करते थे, तो उनकी एक अलग छवि थी
और एक अलग उनका राजनीतिक कद था। जी सर्वेश, मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं। आज की बड़ी खबर, बेहद दुखद खबर बता रहे हैं, यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज सुबह करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है। उनका घर पर ही इस समय इलाज चल रहा था, पीजीआई शिफ्ट करने की खबर आ रही थी। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, लगातार हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं। सर्वेश, एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है, क्या इस दुखद जानकारी के अब मिलने के बाद कोई अपडेट आपके पास, उस दौरे में कुछ बदलाव किया जाएगा? जी निश्चित तौर पर, जो कद है पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का, उसके लिहाज से जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, आज डिप्टी सीएम को प्रयागराज आना था, माघ मेले का भ्रमण करना था, तो निश्चित तौर पर अभी जानकारी मिल रही कि वो भी करीब 12 बजे आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देने जाएंगे, और तमाम जो दूसरे दलों के नेता भी हैं वो भी पहुंचेंगे, और इस समय उनके आवास पर जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, चूंकि सुबह की घटना है, उन्होंने अंतिम सांस अपने घर पर ही ली है, तो तमाम लोग वहां पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं और अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये बताया जा रहा है परिजनों की ओर से कि शाम 4 बजे रसूलाबाद घाट फाफा मऊ में है, जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी भी की जा रही है। तो एक तरह से बड़ी और अपूर्णीय क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई है। हमेशा वो सक्रिय रहते थे, तमाम कार्यक्रमों में उनका आना जाना रहता था और अभी भी उनका मार्गदर्शन पार्टी को निश्चित तौर पर मिलता रहता था। और सबसे बड़ी बात है कि एक कानून विशेषज्ञ के रूप में, एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में वो अपनी सेवाएं पार्टी को अपने रिटायरमेंट के बाद भी दे रहे थे। 2019 में वो पश्चिम बंगाल से रिटायर्ड होने के बाद आ गए थे, लेकिन लगातार उनकी सक्रियता बनी हुई थी। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट थे, तो उसके बाद भी वो मुकदमे लड़ते थे और वहां पर भी जाते थे, और तमाम जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे उन कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी होती थी, उन कार्यक्रमों में भी वो शिरकत जरूर करते थे, वहां पर जाते थे। तो इस तरह का उनका जो दौरा था वो लगातार बना हुआ था, और लेकिन अब उनके न रहने से निश्चित तौर पर प्रयागराज ने भी एक बड़ी हस्ती को खो दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित तौर पर इससे एक तरह से बड़ा नुकसान हुआ है। और उनके बारे में अगर बताएं तो उनका जो कद था वो वाकई इतना बड़ा था और संविधान के इतने बड़े जानकार थे कि सभी लोग उनसे सलाह लेते थे, कानूनी मशवरा लेते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव रहे हों, और उन्होंने बड़े बड़े लोगों का के मुकदमे लड़े हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इस बारे में वो जानकारी भी देते थे। मैंने उनसे खुद बात की है, जब मैं उनके पास जाता था उनका इंटरव्यू मैंने कई बार किया है, तो उसके बाद वो बताते थे कि किस तरह से कल्याण सिंह उनके पास आते थे, घंटों बैठे रहते थे और उसके बाद वो मुकदमे की फाइल तैयार कराते थे, और सामान्य व्यक्ति की तरह किस तरह लोग बैठते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, और उनके साथ जो संबंध होता था वो एक वकील का और एक वकील का संबंध होता था। उस समय वो राजनीतिक ही नहीं रहते थे और तमाम सवाल पूछते थे और उसी आधार पर वो केस की फाइल तैयार करते थे। और उन्होंने बताया था मुझे कि किस तरह से वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी उन्होंने केस लड़ा था और उनके भी वकील थे, तो तमाम बड़ी हस्तियों के वो वकील भी थे, और इस तरह से कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कानून के क्षेत्र में काफी काम किया, और यूपी के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने, और उनके बारे में अगर और बताऊं, उनके राजनीतिक सफर के बारे में मैं दर्शकों को बताऊं तो उनका राजनीतिक सफर भी काफी रहा। 80 के दशक में इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। 87 से 88 और 88 से 89 के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बनाए गए थे। 1991 से 93 और 97 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की शाखा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1991, 92, 97, 98, 2000 और 2001 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। सबसे बड़ी बात है कि उनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, वो लेखक और कवि भी थे। उन्होंने डेस्टिनेशन जीसस पुस्तक 2021 में लिखी थी, द विंग्स ऑफ एज 2018 में, जख्मों पर शबाब 2017 में, ख्यालों का सफर 2017 में लिखी, द इमेजेस 2002 जैसी किताबें उन्होंने लिखी। इसके अलावा 1900
1974 में प्रकाशित है। उनका जन्म प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर एक उन्होंने विस्तृत टिप्पणी लिखी, जिसके आधार पर अभी हाल में आपने देखा होगा कि सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की विधायकी गई थी। तो वही है वो कि प्रतिनिधित्व पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पर उन्होंने टिप्पणी लिखी है, इसीलिए कहा जाता है कि वो कानून के जानकार थे। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा गया था। पंडित केशवनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित हैं। जानकारी दे रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं और राजनीतिक जीवन के बारे में बारीकी से बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल संकेत मिश्रा भी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। संकेत, ये बहुत आज की सबसे दुखद खबर और बीजेपी पार्टी को, पूरे राजनीतिक जगत को एक बहुत बड़ा झटका केशवनाथ त्रिपाठी के निधन पर। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि केशवनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और यही नहीं, उनकी जो तमाम दूसरी जो राजनीतिक दल थे उनमें भी स्वीकार्यता थी, उनको पसंद किया जाता था। वो राजनीति के साथ साथ वो शिक्षाविद भी थे, लिखते पढ़ते थे। जाहिर सी बात है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनको पसंद करती थी, यही नहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश उनका चूंकि गढ़ रहा है, उन्होंने यहाँ से सियासत की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी में वो कई अहम पदों पर रहे, संगठन से लगाकर वो सरकार तक में शामिल रहे। यही नहीं, जब वो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उनको राज्यपाल बनाया गया, यही नहीं अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया बिहार मेघालय और मिजोरम का। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी क्षति है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो कार्यक्रम है वो भी निरस्त हो चुके हैं। आज जो प्रभारियों की बैठक थी वो रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है उनके निधन पर। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे केशवनाथ त्रिपाठी, तमाम बड़े पदों पर वो रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उस दौरान रहे जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ नहीं थी। वो उन संगठन के नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में खड़ी करने वाले नेताओं की पंक्ति पर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संकेत, और जानकारी लेंगे आपसे आगे। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। सर्वेश दुबे, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।